बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब जानते हैं कि इस पोर्टल को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तरफ अब प्रस्तुत है एक डेमो वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीड पोर्टल डेमोन्स्ट्रेशन। सीड इज अ स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज फॉर द DNTs, NTs एंड SNTs हु आर सोशली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज ऑफ द कंट्री। So they can apply for 4 different categories and avail this scheme. The process is to come onto the seed portal, register, login with UID and password, and choose one out of the 4 categories to apply. They are free coaching, health insurance, housing, and livelihood. They fill in the form and submit to the ministry and wait for approval and sanction. This is the seed home page. On the top right corner, you can see the register button. When you click on it, you get redirected to a page where you have to fill your basic details. Your caste certificate has to be uploaded, bank details and family details. After which a UID will be generated, which has to be used at the time of login, and mobile number as password. Then you have to select one out of these 4 options, which are free coaching, health insurance, housing and livelihood. Once you fill in the form and submit it to the ministry, the approval and sanction process starts from there. For any more queries, please contact to Anil Kumar Patel ji at this email ID. Thank you. प्रमोशन किया जा रहा है। इसमें दिशा निर्देश हैं और पृष्ठभूमि प्रस्तावना, साथ साथ योजना के उद्देश्य, योजना के लक्ष्य समूह और कार्यान्वयन, शैक्षिक सशक्तिकरण, विमुक्त हुमंतु एवं अर्धहुमंतु के लिए स्वास्थ्य बीमा, आजीविका, हाउसिंग फॉर DNT और सामान्य सिद्धांत। मैं हूँ अंबेडकर भवन में और यहाँ पर आज प्रोग्राम किया गया है। हमारे साथ हैं भीको रामचंद्र दाते जी, जो कि अध्यक्ष भारत सरकार में विमुक्त घुमंतु तथा अर्धघुमंतु जनजाति विकास एवं कल्याण बोर्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के। सर, आज जो आपने DNT के लिए जो प्रोग्राम किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? सामान्यतः उस सभा में सब बातें तो हो गई हैं, बरसों से जो डिप्राइव्ड है, जिसका कोई वॉइस नहीं है, ऐसे वॉइसलेस 15 करोड़ जनसंख्या के लोग हैं, तो इनके लिए वॉइस बनना हमारा काम है। दूसरी बात, उनकी जो अवस्था है, रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए एक गांव से दूसरे गांव घूमते हैं, जाते हैं। जिनको पहले जो फ्रीडम फाइटर थे, उनको तो क्रिमिनल बनाया, उनकी जीवन शैली में फर्क हो गया, तो उसमें से कोई सुधार होना चाहिए, तो इसके लिए कुछ ना कुछ खड़ा करना चाहिए ना। जो मकान नहीं तो मकान देना चाहिए, लाइवलीहुड में कुछ नहीं तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, हेल्थ के बारे में बोलते हैं तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। बच्चों को अभी कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं तो UPSC MPSC में उनको कोचिंग क्लासेस का सब खर्चा भारत सरकार करेंगे। इस तरह के लॉन्चिंग आज पहली बार भारत के इतिहास में। सर, आपको लगता है कि जो घुमंतु जनजाति है वो अपना पेट तक तो भर नहीं पाती, क्या वो एंड्रॉयड मोबाइल कैसे प्राप्त करेगी, क्योंकि वो ऐप जो है कहीं ना कहीं वो एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा ही? ऐसा है कि ये जो लोग अभी आए थे वो तो प्रतिनिधि हैं, उनको हमने यही बताया है कि जब तक लोगों तक लोगों का प्रबोधन नहीं होगा, लोगों को इस बात का समझेगा नहीं कि क्या करना है, तब तक ये होने वाला नहीं। तो उसमें जो अवेयरनेस करने वाले इंटरमीडिएट लोग जो होंगे, उन्होंने वो करना चाहिए, यह हमने बार बार बताया है। अभी जो आया है लोग, उनको भी ये रिक्वेस्ट किया है कि आप उनको जाकर बताओ, उसके एक बाद उसका उनके ध्यान में आता है कि ऐसा कुछ करना है, तो धीरे धीरे कार्यकर्ता जो आज है यहाँ, वो भी ये सब बातें कर सकते हैं ना, वो भी ये सब बातें कर सकते हैं, उनको क्या क्या करना है, क्या नहीं क्या नहीं, तो इसके लिए मीडिएटर तो लगेगी। तो उसी समाज में से आए हुए जो NGOs है, वो बहुत बड़े कार्यकर्ता है,
तो वो इसका प्रबोधन करे है हमने बताया। यानी कि गरीब बस्तियों में एनजीओ के थ्रू इस जो योजना है इसको पहुंचाया जाए। पहुंचाया जाए मतलब एक जो कोई भी समाज होता है आजकल उनका कोई ना कोई संगठन होता है, कोई ना कोई होता है छोटा बड़ा होता है, तो संगठन द्वारा उनको समझाना चाहिए। ऑनलाइन ऐप जहाँ आ जाने के बाद इंटरमीडिएट कोई नहीं, पैसे बीच में लेने वाला कोई नहीं, वहाँ से और पोर्टल के माध्यम से आ जाएगा और यहाँ से उनके खाते में जमा हो जाएगा। खासतौर घुमंतू जनजाति के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है कि आज तक हम घुमंतू रह गए, घूमते रह गए, तो कभी न कभी स्थिर तो होना चाहिए। जब तक हम स्थिर नहीं होते हमारे विकास की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का जो प्रयास चल रहा है वो एनजीओ के माध्यम से, कार्य संगठन के माध्यम से, लेकिन धीरे धीरे उनको स्थिर करने का कार्यक्रम करना चाहिए। कोई जो स्थिर होते हैं तो शिक्षा से लेकर सब बातों में उनके आगे चलकर कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है। बात की जाए महिलाओं की बच्चियों की, तो महिला और बच्चियों तक ये सुविधा कैसे पहुंचेगी? क्योंकि विशेष ध्यान जो है, कहते हैं एक घर की अगर लड़की पढ़ती तो पूरे परिवार को पढ़ाती है, पूरे समाज को पढ़ाती है। ऐसा है कि जो समाज ही जागरूक नहीं है उनकी पहली बात कर रहे हैं। जब जागरूकता के लिए कोई जाएगा तो महिला लड़कियां उसमें रहेगी, केवल पुरुषों के लिए नहीं बताएंगे। तो ये सबने करना चाहिए। क्रमांक एक, क्रमांक दो, राष्ट्रीय स्तर पर या स्टेट के लेवल पर या स्थानिक जो महिला ये सामाजिक काम करते हैं तो उन्होंने अगुवाई करनी चाहिए, उनके पास जाना चाहिए तो सुविधा हो जाएगी। आज रविदास जयंती है, इस पर क्या कहना चाहिए? रविदास जयंती के बारे में मैंने अभी मेरे स्टेटस पर भी उनका चित्र और कहानी सुनी है कि जो आदमी हृदय से यदि परमेश्वर की प्रार्थना करता है तो वो जहाँ रहता है वहाँ परमेश्वर आता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा उनका है और उनके जीवन का प्रसंग भी है कि एक हाथ उसी जो चमड़े का काम करते थे उसी बर्तन से गंगा माता ने आपका हाथ भी लाया था, सामने दे दिया था। तो रोहिदास जी जो है हमारे देश में जो महान संत है उस संत परंपरा के बहुत बड़े हम सबको आदर्श वत ऐसे वो महान संत है, तो उनकी देन जो है समाज को हमने कृति में लानी चाहिए। ठीक है सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज जो प्रोग्राम किया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज एक ऐतिहासिक दिन है जिसमें भारत में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि DNT के लिए, जिसे हम घुमंतू अर्ध घुमंतू या विमुक्त जमाती जाति जमाती कहते हैं, उनके लिए कोई स्कीम खास तौर पे लागू कर रही है, शुरुआत हुई है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और ये लोग जो हैं ये बहुत पिछड़े हैं और SC ST से थोड़ा अलग है, OBC से थोड़ा अलग है, क्योंकि इनका जो जीविका है वह इस तरह से है कि वो घूमते हैं और घूमते घूमते ही उनका उपजीविका का साधन है। जैसे धनगर कम्युनिटी, शेफर्ड कम्युनिटी बोले, गडरिया, पाल, बघेल, कुरबा, कुरुमन, तो ये लोग भेड़ियाँ चराते चराते घूमते हैं और वहीं से उनका गुजारा होता है। तो ये कभी एक जगह ना होने की वजह से सभी जनजाति के लिए 1526 है, ये सभी जातियाँ ट्राइब्स घूमते घूमते इनका पढ़ाई नहीं हो सकती, शिक्षा नहीं हो सकती, इनके स्वास्थ्य के बारे में ख्याल नहीं दे सकते, तो इसलिए ये स्कीम्स बहुत ही फायदेमंद रहेगी और ये ऐतिहासिक दिन है। सर आप चूँकि लोकसभा सांसद हैं, कुछ ऐसे राज्यसभा सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं आपने वहाँ पर कुछ ऐसे सदस्य हो जिन 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 जो ये सुविधा आगे अन्य लोगों तक पहुंचा सके, ऐसे कुछ सदस्य बनाए हैं आपने? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बोर्ड जो है उसके भी सदस्य हैं, जो कल्याणकारी बोर्ड है जो पहली बार गठन हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो मंत्री जी हैं और दादा साहेब इदाते जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो उसमें मेंबर्स हैं। वैसे ही हमारे संगठन हर जगह है,
हर स्टेट में है, हर जिले में है, तो उनके जरिए ये स्कीम्स वहाँ तक के हम पहुँचा पाएंगे, ऐसा विश्वास है। सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे तमाम घुमंतु जनजाति को? मैं घुमंतु जनजातियों को कहूँगा कि आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है घुमंतु के लिए, और ये जो स्कीम्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सभी घुमंतु के लिए तैयार की है, उसका लाभ सब ले और अपनी प्रगति कर ले, ऐसा मैं कहूँगा। सर बात की जाए घुमंतु जनजाति स्कीम को कैसे लाभ उठाएगी इसका, क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं है, क्या आप लोग प्रोवाइड करवाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, ये कठिनाइयां है, लेकिन जैसे सेवा केंद्र रहते हैं वैसे हमारे समाज सेवी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सभी जिलों में है, और वो उन तक के हम उनके जरिए, क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होने वाला है, डीबीटी होने वाला है, तो इसमें कोई घोटाला होने की चांसेस नहीं है, और इसी तरीके से हम पहुंचा पाएंगे समाज सेवी ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।